और रोड की हालत तो क्या ही बताऊँ, कब से मुझे कह रहा हूँ हटके चार हो जाएगी यहाँ कोई नया बन। इतनी भयानक हो रही है यहाँ पे तो। ये मंदिर पता बह के आया है, इतनी डेंजरस लग रही है यहाँ से, देख रहे हो पूरा पहाड़ ऊपर से नीचे आ रखा है और गाड़ी जाने लायक तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, कसम से कह रहा हूँ। लेकिन व्यू देखो गाइस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हो व्लॉग्स। और आज मैं आया हूँ इन पहाड़ की खूबसूरत वादियों में उत्तराखंड के, और आज मैं जा रहा हूँ अपने घर। घर मतलब अभी पहले बुआ के यहाँ जाऊँगा, फिर मामा के यहाँ जाऊँगा, बहुत जगह जाना है। और रुद्रपुर साइड में वीडियो की शूट नहीं कर पाया क्योंकि बारिश हो रही थी यार, तो ठीक हो गया। और पीछे का व्यू दिखाओ आपको, ये देखो गाइस, ये है मेन हाईवे और ये रही हमारी गाड़ी। और सामने का व्यू देखो, भयंकर नदी देख रहे हो, शारदा नदी है। और दिखाता हूँ अभी, ये है टनकपुर का बैराज, कहाँ गया ये। और भाई साहब व्यू देखो, कहीं नहीं कर पाते है ना, कैमरा इस व्यू को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है भाई साहब, इतना खतरनाक व्यू है ना। और लैंड स्लाइड देखो कितना खतरनाक हो रहा है जगह जगह पे। और ये देखो, ये रोड आ रही इधर से लेके इधर से होते घूम घाम के इधर से यहाँ को। सो गाइस, नेक्स्ट स्टॉप लिया है मैंने चलती के ऊपर, और भाई साहब कहीं पे बारिश कहीं पे धूप, कसम से कह रहा हूँ खत्म ही वाले माहौल चल रहा है यहाँ तो। अभी सोच रहा था मोटर ब्लॉगिंग करूँगा लेकिन किस्मत ही खराब है भाई साहब। अभी देखो यहाँ पे धूप आ रखी है हल्की हल्की, और नज़ारे देखो भाई साहब, ये है नज़ारे, आए हाय। और ये बाग वाला एरिया, यहाँ बाग भी आता है इसलिए रुकता नहीं ज़्यादा। सो गाइस, नए पुल का निर्माण का कार्य चल रहा है यहाँ पे, और नज़ारे देखो भाई सामने के, कसम से कह रहा हूँ नीचे नदी, और ये इतनी खतरनाक नदी आ रही ना, ये नदी तो भाई साहब हमेशा इतनी खतरनाक आती है, बहुत ही ज़्यादा भूस्खलन हो रहा है यहाँ पर। मेरा बैग थोड़ा हिल रहा है यार पीछे, बताइए क्या। रोड क्या बना रखी है, कसम से कह रहा हूँ खतरनाक। गाइस रुकना पड़ेगा शायद यहाँ पर, और रोड की हालत तो क्या ही बताऊँ, कसम से कह रहा हूँ हटके चार हो जाएगी यहाँ कोई नया बंदा आएगा तो। पहले पहले ग्यारह बच्चे खेल रहे, और कोई बचा है क्या। और गाइस ये जो है ना धनुषपुर, भाई साहब अंग्रेजों के जमाने से टिका पड़ा है, और देखो ये नया बंदा है, देखते कितने साल चलता है, क्योंकि जब मैं 8 या 9 पढ़ता था तब से इसकी फाउंडेशन डाल रखी है और अभी बन रहा है फिलहाल, अभी भी बन ही रहा है, देखते हैं कब तक बनता है क्या सीन है। चलो चलो चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। अरे भयंकर डर लग गई यहाँ तो। गाइस ये देखो अंग्रेजों के ज़माने का पुल है भयंकर, अंग्रेजों के ज़माने का, सोचो सोचो अंग्रेज कब का छोड़ के चले गए 1947 में, तब से ये पुल बना है और आज भी वैसे ही खड़ा है जैसे उस टाइम पे खड़ा था। हमारे साथ टेक्नोलॉजी पुरानी थी लेकिन तगड़ी थी, और रोड की हालत तो भाई साहब इतनी भयानक हो रही है यहाँ पर तो। अभी रख क्या था तो फिर से हम अच्छी खासी जिंदा रोड पर पहुंच चुके हैं, और 11 बच्चे 11 रुपये घंटा 40 किलोमीटर और 8 बजा चुके हैं। तो गाइस ये मेरी सबसे फेवरेट रोड में से एक रोड है, पता है इतनी मस्त गाड़ी चलती है यहाँ पे, ना उबड़ खाबड़ है ना। अब देखो गाइस सामने का व्यू, हाय हाय आसमान में बादल, कहीं धूप कहीं छाया है, हमारे सामने चला।
में जाऊंगा आगे। देखो गाइस वो बीच में जो मंदिर दिख रहा है ना, लोग बोलते हो कहीं वहीं से बह के आया, मतलब बारिश हुई होगी करूँगा, तो ये मंदिर पता बह के आया है हमारी नदी। देखो यहाँ पे भी पानी, यहाँ पे भी पानी बह रहा है, और ऊपर देखो ये कैसे लोग आए सुंदर झरना है यार ये। अरे आ गया भाई, ऐसे झरनों की तो कमी नहीं है आजकल पहाड़ों में बारिश के रहे। देखो जेसीबी का नाम लिया, तो गाइस ये देखो कुछ सामने का, और गाड़ी रुकी है मैंने यहाँ पे क्योंकि थोड़ा बाहर बाहर जाना था तो इसलिए रुक गया। और सामने का व्यू देखो, आए भाई भयंकर अब तक की, और फिर से धूप आ गई भाई, पहाड़ों का मौसम ना भयंकर क्या ही बताओ यार, अब फिर से धूप आ गई है। और ये रही हमारी गाड़ी, देखो कितनी सुंदर लग रही है, विंगलेट लगाया मैंने परसों नहीं कल लगाया विंगलेट। देखो ये भाई साहब हॉर्नेट का लुक ही बदल गया इससे। तो गाइस ये देखो आपको कुछ दिखाना है भाई साहब, गाड़ी कितनी चल गई देख रहे हो, 3-2-2-2-3 ये। और सामने का व्यू देखो गाइस, रोड कितनी डेंजरस लग रही है यहाँ से देख रहे हो, वो सामने वहाँ पे देखो विश्राम घाट है और नीचे यहाँ पे स्वाला गांव। और ये रहा मैं तो कसम से कह रहा हूँ फुल मजे में, 200+ किलोमीटर गाड़ी चलाई लेकिन मज़ा आ रहा है। और ये पता है रुद्रपुर से टनकपुर आने तक ना मेरी वाट लगी पड़ी थी भयंकर, मज़ा ही नहीं आता चलाने में सीधी रोड में गाड़ी भाई साहब, देखो क्या मज़े आ रहे हैं। तो चलते हैं, आपको मिलते हैं सीधे चंपावत पे, ओके। और रास्ते में एक जगह लैंडस्लाइड हुई है वो दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर देखो भयंकर कितना खतरनाक हो रखा है यार, मैं कसम देख रहा हूँ मोटर व्लॉग नहीं कर पाया मैं, क्या बताऊँ। ये देखो पूरा पहाड़ ऊपर से नीचे आ रखा है और गाड़ी जाने लायक तो बिल्कुल नहीं हो रहा है कसम से कह रहा हूँ, लेकिन टेम्परेरी रोड बना रही है तो अब चलते हैं सीधे घर को, ओके। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपने माँ के घर, और ये है सार्थक। ये वीडियो में देख के शर्माता है लेकिन सही है, शर्माना भी चाहिए। और ये है कुछ सामने के नज़ारे, आ जा यार कुछ तो बता यहाँ के बारे में। ये देखो कितने मस्त मस्त फूल लगा रखे हैं, और ये है मामा का घर, और सामने का व्यू देखो गाइस एकदम सफ़ेद बादल और नीचे हरियाली, क्या ही खतरनाक लग रहा है। और यह एक कमरा, एक कमरा ये है, ये है हमारे घर की फसल राजमा। और गाइस गाड़ी चलाते चलाते पता है वाट लग चुकी है हाथों की, और अभी बहुत जगह जाना है तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखो सार्थक ने गाय भी पहुंचा दी नीचे, देखा ले जा ले जा, देख रहे हो पहाड़ों में ऐसे होते काम भाई साहब। और ये है हमारी गाय, और ये एक कुटिया, दिखा तो सी इधर को, तोला भाग गई। ये देखो कितनी छोटी सी है, क्यूट, इसको घास चराने ले आता है। ये देखो कितनी स्मार्ट है। ले जा ले जा छुटकी। गाइस व्यू देखो यहाँ का,
अभी लग रहा है कैमरे में कुछ तगड़ा सीन। और ये खड़ी हमारी गाड़ी, ये है गोदाम वाला एरिया। सो गाइस ये है चंपावत की मार्केट, और देखो गाड़ियाँ, और अभी देखो पंगा होने वाला है। पंगा कहाँ है, दिखा दो जी, दिखा मिठाई दिखा। ये लाए हम मिठाई, और ऐसी हो रही ना 110 रुपए लिए, लेकिन काम नहीं आए हो, बिल्कुल ख़राब। और ये है कुछ यहाँ की मार्केट, और यहाँ से ऊपर को रास्ता है बालेश्वर मंदिर के लिए, पता नहीं यही अब चेंज हो गया है, बहुत सालों बाद आ रहा हूँ।